हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 4 है। तो ल्यूसेंट की इस सीरीज में, ल्यूसेंट की केमिस्ट्री फिजिक्स की इस सीरीज में, फिजिक्स के तो काफी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, और अब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण स्टार्ट करने के लिए 1860 के करीब ये होड़ लगी हुई थी वैज्ञानिकों के बीच में कि तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। लगभग 60-65 तत्व ज्ञात थे मेंडलीव के जमाने में। वो मेंडलीव जो थे रशियन वैज्ञानिक थे, मेंडलीव रशियन वैज्ञानिक थे, तो उस वक्त 60-65 तत्व ज्ञात थे। तो लोगों में ये होड़ लगी हुई थी, वैज्ञानिकों में ये होड़ लगी हुई थी कि कौन सबसे अच्छी टेबल बनाकर तैयार कर देगा, या सबसे अच्छा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करेगा जिसमें हमें तत्वों को ज्ञात करने में, तत्वों की स्टडी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो जब इस तरह का कुछ हुआ तो अलग अलग वैज्ञानिक निकले। तो मेंडलीव से पहले भी एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। तो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने यह कहा था कि तत्वों को जो व्यवस्थित किया था, इस तरह से व्यवस्थित किया था कि हर आठवें तत्व की प्रॉपर्टी पहले वाले तत्व की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी। मतलब उन्होंने सारे गामा पाधा निसा, तो जो लास्ट वाला सारा है वो पहले वाले के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पहले वाले की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, पीरियोडिक टेबल बनानी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही वो कैल्शियम तक आए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता 20, जैसे ही वो कैल्शियम तक आए उनका ये रूल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट भी आ गए। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए तो वो तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट से प्रॉपर्टी कहां सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, अलग प्रॉपर्टी होती है उनकी। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए तो उनका वो पूरा का पूरा नियम फ्लॉप हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो इसका मतलब न्यूलैंड का अष्टक नियम था, वो कैल्शियम तक ही लगता है। और इन्होंने किस तरह से व्यवस्थित किया था, इन्होंने सारे गामा पाधा निसा के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया था। और जो लास्ट वाला एलिमेंट आ रहा था सारे गामा पाधा निसा, तो वो जो था पहले वाले के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो इस तरह से उन्होंने तत्वों को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये कैल्शियम तक ही चला। तो इसलिए इसको विश्व स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया, सिर्फ कैल्शियम तक ही स्वीकार किया गया। उससे पहले एक वैज्ञानिक और आए थे, उन्होंने तत्वों को अलग तरीके से व्यवस्थित किया था। उन्होंने इस तरह से व्यवस्थित किया कि जो बी कि किसी भी ग्रुप के तीन एलिमेंट को ले लिए, और तीनों एलिमेंट में जो पहला वाला था, सपोज दैट तीन एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, तो जो पहला वाला एलिमेंट है और लास्ट वाला एलिमेंट है, इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज निकाला। एटॉमिक वेट का एवरेज निकाला तो लगभग बीच वाले के समान आ रहा था, लेकिन ये भी नियम सब एलिमेंट पर नहीं लग सका, ये भी फ्लॉप हो गया। तो ये फ्लॉप हो गया तो इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद जो आया था वो न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था, और न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद आया था मेंडलीव का नियम। मेंडलीव के साथ साथ एक वैज्ञानिक और थे मेंडलीव के साथ जो स्टडी कर रहे थे, वो थे लोथर मेयर। तो लोथर मेयर ने तत्वों को जो व्यवस्थित किया था वो ग्राफ के रूप में किया था। उन्होंने हर एलिमेंट लिया, उस हर एलिमेंट की वॉल्यूम और डेंसिटी के रूप में ग्राफ लोड करने स्टार्ट कर दी। जब ग्राफ लोड करने स्टार्ट करे तो कुछ इस तरह के ग्राफ आने लगे, और यहाँ तत्वों को उन्होंने व्यवस्थित करने स्टार्ट कर दिया। तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित कर बीच में भी रखा और नीचे भी रखा। तत्वों को जब इस तरह से व्यवस्थित करने स्टार्ट कर दिया तो मेरे दोस्त, इस तरह से उस वक्त के जमाने में इस तरह से हर तत्व को चेक करने के लिए एक अलग ग्राफ हो, तो इस तरह से ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हर किसी एलिमेंट की स्टडी करने के लिए हमें एक अलग ग्राफ चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा कि हर एलिमेंट के लिए एक अलग ग्राफ बनाओ, उस ग्राफ के अंदर भी प्रॉपर्टी चेक करो, क्योंकि ग्राफ हर किसी से नहीं पढ़ा जाता। तो इसलिए ये नियम भी लोथर मेयर कर्म को पूरी तरह से स्वीकृति नहीं मिली। उसके बाद मेंडलीव आए। मेंडलीव ने क्या करा, तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार एक इस तरह से व्यवस्थित करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करना स्टार्ट करा तो उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करा एटॉमिक वेट के हिसाब से तत्वों को व्यवस्थित करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले वाला तत्व रखते चले गए, उससे अगला, मतलब एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखते चले गए,
और रखते चले गए, जो अब अगला एलिमेंट आ रहा था तो पहले वाले से प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो इस तरह से रखते हुए चले गए। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में उस वक्त के जमाने में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल मानी गई और बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल मानी गई, क्योंकि इसको स्टडी करना, इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान था। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बहुत बड़ी भूमिका मिली, बहुत बड़ी इसकी इसको इज्जत मिली, और मेंडलीव के पीरियोडिक नियम को उस वक्त के जमाने में, उस वक्त के जमाने में एक रूल बना दिया। और रूल क्या था, वो मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाया। उसमें क्या था, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों का आवृत्ति फलन होता। आवर्त फलन का मतलब क्या, आवर्त का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो देखो ये एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट था, इस तरह से एलिमेंट चलते रहेंगे तो कोई अगला एलिमेंट आएगा पर्टिकुलर टाइम के बाद जो इसके जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वो नीचे आएगा इसके। तो इस तरह से उन्होंने, इस तरह से अगर इस तरह से एलिमेंट आ रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद आ रहे हैं ना जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आवर्त। तो ये आवर्ती फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं कि पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है एलिमेंट जो है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे अपने पहले वालों के साथ। तो मेंडलीव का ये आवर्त नियम था, मेंडलीव ने ये आवर्त नियम दिया था परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव ने ये आवर्त नियम दिया था। तो मेंडलीव के जमाने में ये टेबल बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, लेकिन मेंडलीव ने कुछ तत्व ऐसे छोड़ दिए थे, कुछ अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर गैप छोड़ दिए थे, जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनके लिए उन्होंने गैप छोड़ दिए। जैसा गैलियम के लिए छोड़ दिया एका सिलिकॉन, तो एका सिलिकॉन जगह छोड़ दी उन्होंने उसके लिए जो तत्व ज्ञात नहीं था। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि हाँ, जो मेंडलीव ने जगह छोड़ी थी बिल्कुल सही छोड़ी थी, वहां जो है गैलियम ही आएगा। तो मेंडलीव इतने बड़े माइंडेड थे, उन्होंने कुछ जगह भी छोड़ रही थी कि यहाँ ये एलिमेंट नहीं आएगा, कोई दूसरा एलिमेंट आएगा। तो मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए भी रिक्त स्थान रखे थे। तो ये मेंडलीव की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये बहुत बड़े माइंडेड थे कि उन्होंने गैप छोड़ दिया था। इन्हें उम्मीद थी कि हाँ, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो यहाँ कहीं ना कहीं फिट होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यहाँ आके मैच करेगी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या हुए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या खामियां हुई, इस चीज को डिस्कस कर लेते। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, ये दोष पढ़ने वाले हैं, ये हम डी बेनिफिट पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन को क्षार एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। तो ये दोनों वर्गों में रखा गया था कि इन्होंने धातुओं के साथ भी रखा, मतलब जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में इस साइड में भी रख दिया ऊपर और इस साइड में भी रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि वह दोनों के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो मेंडलीव का एक तो ये बहुत बड़ा दोष था कि उन्होंने समान मतलब हाइड्रोजन को दोनों के साथ रख दिया, और दूसरा दोष था उनका, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर, मरकरी और एजी एंड टीयू और टीआई और एयू, टिन, सोना, चांदी, मरकरी, कॉपर और पीटी बीए और पीवी, जो समान तत्व वाले एलिमेंट है उनको अलग रखा गया। तो ये बहुत बड़ा दोष था कि यार एलिमेंट की प्रॉपर्टी समान है, तो प्रॉपर्टी कैसे पता चला समान है, तो वो मॉडर्न में आगे पता चला। उस वक्त नहीं पता था कि प्रॉपर्टी समान है, लेकिन मॉडर्न में जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते चली गई, रिसर्च बढ़ते चली गई, तब पता चला कि यार ये एलिमेंट ऐसे हैं, इनको कोइनेज एलिमेंट भी बोलते हैं, ये एलिमेंट ऐसे हैं, कोइनेज एलिमेंट है ये, जिनके कोई बनाए जाते हैं, सोना, चांदी, कॉपर, ये कोइनेज एलिमेंट है। तो ये बात को पता चला कि यार कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके कॉइन बनाए जाते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं इनमें से जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फिर भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पता चला, लेकिन फिर भी मेंडलीव ने इनको अलग अलग रखा था। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बहुत बड़ा दोष था। लेकिन उस जमाने में मेंडलीव की इस तरह की पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, क्योंकि ऐसी पीरियोडिक टेबल कोई नहीं बना पाया था, और मेंडलीव ने ऐसी पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान था। अच्छा, अगला दोष था उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया। हालांकि मेंडलीव ने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था, लेकिन ये भी हो गया कि आयोडीन जिसका एटॉमिक वेट था 126 और टेलुरियम जिसका एटॉमिक वेट था 127 के बाद रखा। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अब प्रॉपर्टी शो हुई है उसमें तो टेलुरियम पहला आता ना पीरियोडिक के हिसाब से। अरे टेलुरियम जो होता है, टेलुरियम
टेलुरियम उफ रहा था आयोडीन। तो टेलुरियम जो है ये हेलोजन परिवार का तत्व है। सो ये जो है उस ऑक्सीजन परिवार का तत्व है और जो आयोडीन है ये हेलोजन परिवार का तत्व है। तो अब के अकॉर्डिंग जो अब पीरियोडिक टेबल बनी हुई है उसके हिसाब से तो यहाँ दोनों की पोजीशन इस तरह से आएगी ना। लेकिन मेंडेलीव ने किस तरह से कर रहे थे, टेलुरियम यहाँ कर रखा था और आयोडीन यहाँ कर रखा था। तो कुछ इस तरह की गलतियां थी मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अंदर। अच्छा अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ये बस यही मेरा मकसद है, सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है समस्थानिकों के लिए स्थानीय, समस्थानिकों के लिए स्थानीय। अच्छा समस्थानिक किसको बोलते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो समस्थानिक ऐसे तत्वों को कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है और एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। एटॉमिक वेट क्या होता है, अलग अलग। अब इसकी वजह बता देता हूं, इसकी वजह ये है समस्थानिकों का इसलिए स्थान नहीं दिया। देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है और ये भी हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है। अब चूंकि मेंडेलीव ने आवर्त सारणी जो अपनी बनाई थी वो एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में बनाई थी, तो रूल के हिसाब से ये आना चाहिए था कि पहले इसको रखते फिर इसको रखते फिर इसको रखते। अब सोचो कि तीन एक ही एलिमेंट के तीन रूप हैं, एक ही एलिमेंट के तीन रूप है। ऐसा हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ऐसा कई के साथ है, ऐसे समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक है, अगर इस तरह से एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में समस्थानिकों को भी जगह दे दी जाए तो पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी और इसको 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 अरेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एटॉमिक वेट, अब एटॉमिक वेट कोई एक ऐसा एलिमेंट भी होगा जिसका एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के मतलब 1s3 के ट्राइट्रियम के लगभग बराबर होगा, तो पीरियोडिक टेबल में इनको जगह देना मुश्किल हो गया कि यार एक ही एलिमेंट है और तीन बार मैं लिखूंगा, तीन बार उसको जगह दूंगा। तो इस तरह से समस्थानिकों को स्थान मिलना मुश्किल हो गया। अब मुश्किल क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज करी है भाई वो तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया है ना, फिर जो की है मेंडेलीव की, तो जाहिर सी बात है ये अलग एलिमेंट हो गया, फिर मेंडेलीव के हिसाब से ये अलग एलिमेंट हो गया, ये अलग एलिमेंट हो गया। तो इन तीनों एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह देना ये थोड़ा मुश्किल हो गया, ये थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसलिए समस्थानिकों को मेंडेलीव ने जगह ही नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा दोष था मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल का। अच्छा अगला था आठवें वर्ग में तीन तत्वों को एक साथ समूहित करना। आठवें वर्ग में तीन तत्वों को एक साथ समूहित कर दिया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम थी, उनके एटॉमिक वेट लगभग सेम थे। अब देख लेते हैं कि क्या है, क्या है मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी का मेरे पास एक डायग्राम है, आप उसको भी देख लीजिए मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल किस तरह की दिखती है। तो दोस्तों मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह की दिखती है, ये है मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह की दिखती है जिसके अंदर यहां पर देखो हाइड्रोजन लिया गया फर्स्ट टाइम है। तो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह की दिखती है जिसमें ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां। तो इस तरह से मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। अब पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के बाद मेंडेलीव ने कुछ जगह भी छोड़ रखी है, तो वो उन एलिमेंटों के लिए जगह छोड़ रखी है जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह छोड़ रखी है वो गैलियम में छोड़ रखी है, जिसको एका एल्यूमिनियम कहा गया, बाद में इसकी रिसर्च हो गई। तो ये मॉडल ये थी, ये था पुरानी वाली पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडेलीव ने बनाई थी, तो उसका कुछ आकार इस तरह से दिखाई देता था। लेकिन इंपॉर्टेंट मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल से जो सवाल बन रहे थे वो उसमें से बनेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है। तो ये रही आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो प्रपोज्ड की थी वो की थी मोजले ने। मोजले ने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज की। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पर प्रपोज्ड की गई थी, तो वो की गई थी एटॉमिक परमाणु संख्या के, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, मोजले ने बहुत बड़ा योगदान निभाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने में मोजले ने बहुत बड़ा रोल निभाया। तो ये इसका नियम क्या था, मोजले ने तत्वों को जो व्यवस्थित किया था वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर व्यवस्थित किया था। तो उसने ये नियम दिया था कि जो तत्वों के परमाणु, तत्वों की जो भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवृत्ति फलन होती हैं। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो वो तत्वों के एटॉमिक नंबर के आवर्त के
फलन होते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट एक ही है, एक ही है, इस तरह से एलिमेंट चलता गया चलता गया चलता गया, और फिर अगला एलिमेंट जो आएगा तो वो इस वाले ग्रुप के अंदर आएगा, फिर अगले ग्रुप इसके अंदर, फिर इसके अंदर, तो ये पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है प्रॉपर्टी एक जैसे शो कर रहे हैं। देखो ये इसके जैसे शो करने लगा, और ये जो था इसके जैसे करने लगा शो, और ये इसके जैसे, तो ये पर्टिकुलर टाइम के बाद हुआ ना, तो ये आवर्त के बाद हुआ, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा होना आवर्त कहलाता है। तो उसने यही कहा था कि प्रॉपर्टी जो शो होती, जो प्रॉपर्टी शो होती है एलिमेंट की, वो पर्टिकुलर टाइम के बाद होती है। पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है तत्व जो है अपने पहले वाले तत्वों के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मोसले ने अपना आधुनिक आवर्त नियम दिया था। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तो इस तरह से उसने एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एटॉमिक अभिविन्यास या फिर एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंटों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 9 तो होते थे इसके अंदर वर्ग, 9 वर्ग हैं इसके अंदर, और 7 इसके अंदर आवर्त हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी दिखती है और किस तरह से उसमें वर्ग और आवर्त हैं। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों में बांटा गया, जिसको ए और बी कहते हैं। प्रत्येक आवर्त को प्रथम, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है, जिसको एल्कली मेटल बोलते हैं, और लास्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है एक इनर्ट गैस। तो लास्ट एलिमेंट है इनर्ट गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो कि एक अपवाद है। हाइड्रोजन को इसलिए रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर रखना, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास निकाला गया, तो हाइड्रोजन के पास तो होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका एटॉमिक विन्यास आया 1s1। तो ये मजबूरी बन गई इसको फर्स्ट ए ग्रुप में रखना एटॉमिक विन्यास के हिसाब से, क्योंकि मोसले ने पीरियोडिक टेबल एटॉमिक विन्यास के हिसाब से ही, एटॉमिक नंबर के हिसाब से व्यवस्थित की थी, तो इसको फर्स्ट ए में रखा गया। ये अपवाद है, क्योंकि क्यों अपवाद है, क्योंकि फर्स्ट ए के जो ग्रुप के एलिमेंट है, हाइड्रोजन के बाद जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जो एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, धातु है, जबकि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन एक गैस अवस्था में पाया था। तो इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं कर गई, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इसको रखा है, तो हमारा ये मकसद हो गया कि इसको हाँ फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के एलिमेंटों को एक्टिनाइड, और 57 से 71 तक के लैंथेनाइड। अब मैं आपको बता दूं लैंथेनाइड क्या होते हैं। लैंथेनाइड 57 से आगे के एलिमेंटों को लैंथेनाइड कहा जाता है, जो 71 तक चलते हैं, और एक्टिनाइड उनको कहा जाता है जो 89 से आगे के तत्व है। 89 बता दूं एक्टिनाइड नहीं है, 57 बता दूं एक्टिनाइड नहीं है, उससे अगला एलिमेंट जो है वो एक्टिनाइड है। यहां बच्चों का कंफ्यूजन बना रहता है। अब आता है आयरन विभव, तो आयरन विभव अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले एक बार इसका डिजाइन देख लेते हैं कि हाँ भाई पीरियोडिक टेबल का डिजाइन किस तरह से था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और ये प्रॉपर्टीज जो है, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। परमाणु का आकार, विद्युत धनात्मकता, आयरन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको बोलते हैं। अच्छा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये आयरन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है, विद्युत ऋणात्मकता होती क्या, ताकि हम पीरियोडिक टेबल में जब हम डिस्कस करेंगे कि हाँ लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम किस तरह से चेंज होने वाली है प्रॉपर्टीज, तो थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि हमें अभी आयरन ऊर्जा के बारे में पता नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पता नहीं, तो ये हमें चीजें पता हो जाएंगी। तो इसलिए पहले ये देख लेते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको हम आयनन विभव कहते हैं। ये क्या है, ये ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है, ये ऊर्जा है, पहली बात तो ये ऊर्जा है। क्या आयनन विभव क्या है, ये एक ऊर्जा है, ये तो ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा, जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। तो ये हमें समझ में नहीं आया भाई साहब, क्या हो गया इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या हो गया, ये अभी तक समझ में नहीं आया डेफिनेशन से। तो मैं आपको कुछ और तरीके से समझाता हूँ, मेरे पास और भी फंडे हैं इसको समझाने के लिए। देखिए आपके पास कोई आइटम है, तो कोई आपके पास कोई आइटम है, तो आइटम के ये मान लेना बाह्य कक्षा, तो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, घूम रहा होगा चारों तरफ। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, ऐसा मान के चलना है कि इसके सारे अष्टक भरे हुए हैं। जब सारे अष्टक भरे हुए हैं, एटम है, इसके सारे के सारे ऑर्बिट फिल हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्थायी तत्व होगा। तो इसकी स्थायी अवस्था को खत्म करने के लिए मैं इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो
जब स्थाई होगा तो जाहिर सी बात है, जब ये स्थाई तत्व है तो इसके सारे एटम, जब इसके सारे शेल फील्ड है तो जाहिर सी बात है ये गैसीय अवस्था में होगा, जो कि हमारे जीरो ग्रुप में होती है। तो जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके सारे ही शेल फिल होते हैं, मतलब सारे ही शेल जो होते हैं, आउटर मोस्ट शेल हो या इनर शेल हो, सारे के सारे भरे हुए होते हैं। तो ये हमारा कुछ एलिमेंट वैसा ही है जिसके सारे शेल भरे हुए हैं। तो इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को जो बाह्य कक्षा बताई, इसे निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो मेरी आयनन ऊर्जा होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, आयनन ऊर्जा। अब इसको कई तरीके से निकाला जा सकता है, आप एलिमेंट को गर्म कर दो, जब आप एलिमेंट को गर्म करोगे तो अल्टीमेटली आपने उसको एनर्जी दे दी, तो एनर्जी देने के बाद अब वो एटम क्या करेगा, एनर्जी पाने के बाद वो एनर्जी जाएगी आउटर मोस्ट शेल में, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनके पास। अगर इतनी एनर्जी है कि हाँ वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकाल फेंके, इसकी जो बंधन एनर्जी है, बंधन ऊर्जा है, उससे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर चला जाएगा, अदरवाइज ये घूमता रहेगा। तो ये थी आयनन ऊर्जा। अब लेफ्ट टू राइट आयनन ऊर्जा बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि एटम के और न्यूक्लियस के बीच में जो है अट्रैक्शन बढ़ता है। ये मैं अभी पीरियोडिक टेबल में आगे समझाने वाला हूं, बस आपको आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ आना चाहिए, और वो मैंने समझा दिया। एक इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कक्षा में है उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है वही आयनन ऊर्जा है। इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आपको थोड़ा इंग्लिश में भी वर्ड यूज करने हैं भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो यहाँ एक वर्ड यूज किया है उदासीन, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। कोई भी एलिमेंट है जो न्यूट्रल है, कोई एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम जो कि न्यूट्रल है, उदासीन है, जब उदासीन है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बराबर है। क्या है कि जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बाह्य कक्षा में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बराबर है। तो इस अवस्था में एटम को कहा जाता है उदासीन। तो एटम पहले से ही उदासीन था, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में थोड़ी जगह खाली है कि इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है जो हम डालना चाह रहे हैं वो चला जाएगा। हम ये इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, जबरदस्ती डाल रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम की, तो अगर वो चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेगा तो जितनी एनर्जी मुझे लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर पहुंचाने में, उसी को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं तो चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में एक अपवाद है वो मैं आपको समझाऊंगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ये मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, जब पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से कौन सी चीज चेंज हो रही है। बस आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करनी है। अब जैसे सेवेंथ के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की क्यों होती है, फ्लोरीन की क्यों नहीं, ये भी बताऊंगा आपको। अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देखी जाती है। अगर दो आइटम है, इन्होंने कोई बंध बना रखा है, बंध बना रखा, वो ऐसा बंध बना रखा है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने के बाद जो बंध बनाया है, जो बॉन्ड बनाया है, तो उस बॉन्ड में अब ये देखा जाएगा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है या फिर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा उसकी तरफ को खींच जाएगा। जो सपोज दैट यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है ए, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये पेयर के इलेक्ट्रॉन जो होंगे थोड़े इधर खींच जाएंगे। तो मतलब कहने की बात ये है कि भाई अगर दो आदमी खड़े हैं, एक ये है एक ये है और ये ज्यादा ताकतवर है, तो जो बीच का सामान है जो शेयर हुआ है इन दोनों के बीच में वो थोड़ा नजदीक रहेगा इसके, है ना। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का पेयर रहता है, अगर दो एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर जो होगा थोड़ा इसके नजदीक है, तो इसका मतलब इसको इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है, किसी तत्व की परमाणु, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब देखो समझ में ये भी बच्चों के यहाँ डाउट होता है, भाई साहब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने बता दी क्या है, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या फर्क रह गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो मैं ये फर्क बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो देखी है हमने वो दो एलिमेंटों के बीच में देखी है, दो एलिमेंट ने बॉन्ड बना रखे थे और बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उसकी हमने देखी कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा। अब हर एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। अब सपोज दैट कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन ए है ये, और ये इसकी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी से ज्यादा है तो ये पेयर का इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब दो तत्व मेरे पास जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं ये H2, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा, सहसंयोजक बंध बनाया होगा। तो हाइड्रोजन का कुछ अगर मैं बॉन्ड देखूं तो कुछ इस तरह से आएगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और उन्होंने साझे का इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब मेरे भाई साझे का इलेक्ट्रॉन ये होने के बाद तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इस वाले हाइड्रोजन का भी होगा, ये इस वाले हाइड्रोजन का भी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है साझे का अपना बॉन्ड बनाने के लिए, अपना शेल भरने के लिए। तो इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन और दूसरे वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल बीच में रहेगा। बिल्कुल बीच में रहने का मकसद क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये भी इतनी ही ताकत से खींच रहा होगा जितनी ताकत से ये खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो बीच में रहेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क आ जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं HCl, अब देखो देखने से पता लग रहा है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन के बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे भरने के लिए 2 चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि पहले आवर्त में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं ना। तो इसका पहला आवर्त में है एक इलेक्ट्रॉन और होने कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन के साथ ताकि क्लोरीन के भी 8 हो जाए और इसके भी 8 हो जाए। लेकिन जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइड्रोजन से थोड़ा दूर और क्लोरीन के पास होगा। क्यों होगा? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होती है, अतः क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको पूरी तरह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये केस था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी है जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, जबरदस्ती एटम को घोंस रहे हैं किसी एटम के अंदर, किसी इलेक्ट्रॉन को घोंस रहे हैं, जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को। जो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये फर्क था। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल सही है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होती है। तो डाउट यही आता बच्चों को यार, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन के भी बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के भी बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्यों ना क्लोरीन की ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की सबसे ज्यादा ना हो करके फ्लोरीन की होती, क्योंकि फ्लोरीन के भी तो बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। मतलब जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है सबसे ज्यादा अपनी तरफ को खींचता है, तो क्यों ना फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि ऐसा मान कर चल लीजिए कि अगर ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, फ्लोरीन का एटम है, तो ये है क्लोरीन का एटम। अब फ्लोरीन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन के बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो फ्लोरीन के बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के भी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखाई दे रही है कि हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन कितने बड़े एरिया में फैले हुए हैं, इतने बड़े एरिया फैले हुए हैं, और यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन इतने छोटे एरिया फैले हुए हैं, ये पीछे को लगे हुए हैं चारों तरफ। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें जल्दी चला जाएगा या इसमें जल्दी चला जाएगा? तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जल्दी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जगह काफी है, इसके अंदर जगह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से बढ़ पाए। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है मेरे दोस्त। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये जो साझा करता है इलेक्ट्रॉन, साझे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए जब साझे वाले इलेक्ट्रॉन, अगर HCl की बात करूं, HCl में साझे वाले इलेक्ट्रॉन खींचता है कौन?
क्लोरीन खींचता है तो इसके ऊपर माइनस आ जाता है, इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव आ जाता है। वो इसी वजह से आता है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास से थोड़ा दूर चला गया और क्लोरीन के पास आ गया। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग फोर्थ एक के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। तो ये आपको याद रखना है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, उनका गलनांक कम होता है। वही जो गलनांक होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन पॉइंट, फ्यूजन कम होता है उनका, फ्यूजन टेम्परेचर कम होता है। और ये वही फोर्थ एक के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया आयन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। अब देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह की दिखती है। तो कुछ इस तरह की दिखती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह की दिखती है, जिसमें कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट है एक ये रहा, दूसरा ये रहा, जो मेन ग्रुप एलिमेंट है वो ये रहा। तो मेन ग्रुप एलिमेंट के जो ग्रुप है वो है नौ, छह तो ये हो जाते हैं, छह हो जाते हैं इसके, एक दो तीन चार पांच छह ये हो गए, और छह के बाद दो ये हो गए, छह और दो आठ, और एक इसको मान लिया गया है जो कि हमारा बी ब्लॉक है। तो ये जो है छह तो इसके, नौ तो इसके अंदर ग्रुप है, नौ ग्रुप हो गए, और पीरियड सात है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लेकिन जो प्रॉपर्टीज बदलती हैं, प्रॉपर्टीज एक साथ चेंज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज इस तरह से चेंज होती हैं कि वो एस ब्लॉक वाले ये एस ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों में एक साथ प्रॉपर्टी बदलती है। अगर यहां से ये है हमारा लेफ्ट और ये है हमारा राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, इस तरह से जाने पर प्रॉपर्टीज बदलती है। हम इस बी ब्लॉक में नहीं देखते, बी ब्लॉक को छोड़ देते हैं पूरे को, क्योंकि बी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। ये हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट है एस ब्लॉक, और ये हमारा मेन ग्रुप एलिमेंट है पी ब्लॉक। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी गैसेज है। गैसेज का कलर दिखा दिया है मैंने, किस तरह की गैसेज दिखती है, ये ब्लू कलर की दिखती है। ये सब गैसेज हैं और ये भी गैसेज हैं, ये भी गैसेज हैं, है ना। और जो ये ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के बो सी जी आर एंटी टेलुको, ये जो है ये शॉर्टकट है बो सी जी आर एंटी टेलुको, ये ऐसे एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो प्रॉपर्टी किस तरह से बदलती है, प्रॉपर्टी इस तरह से बदलती है कि अगर हम लेफ्ट, हमारा ये लेफ्ट का लेफ्ट टू राइट जाने पर, अब लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब क्या हुआ, देखो हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है और ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो है अभी एक कक्षा है। तो एक पहली वाली कक्षा में जो रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन वो आया तो वो हो गया एस वन, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप का, तो फर्स्ट ए ग्रुप का हो गया। और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो हो गया सेकेंड ए ग्रुप का। तो पहले आवर्त में तो दो ही एलिमेंट आ सकते हैं, तो तीसरा आवर्त लगेगा। तीसरा आवर्त जब लगा इसके चारों तरफ, तो उसके अगले आवर्त में एक इलेक्ट्रॉन भरा गया तो वो हो गया इस ग्रुप का एलिमेंट। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और भरा गया तो वो हो गया इस ग्रुप का एलिमेंट। एक इलेक्ट्रॉन और भरा गया तो वो हो गया इस ग्रुप का एलिमेंट। ऐसे ही इसके बाह्य कोष में, इसमें दो रहते हैं और इसमें रहते हैं आठ, मतलब इसमें रहते हैं छह। तो छह इसमें आ जाएंगे और दो उसमें पहले ही जा चुके हैं। वैसे तो दो आठ आठ होते हैं। तो यहां देखते हैं कि जैसे जैसे एलिमेंट के अंदर जैसे 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 इलेक्ट्रॉन भरता चला जाएगा, तो ये है पी ब्लॉक। तो पी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम वो होते हैं छह। तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा छह, तो उसी के हिसाब से ये छह ग्रुप बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो हो गया इसका बोरोन फैमिली, हो गया दो इलेक्ट्रॉन हो गए पी के अंदर तो वो हो गया। अब देखो जब बोरोन फैमिली मतलब पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एस के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से ही पहुंच चुका होगा। एस के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका होगा, क्योंकि एस में तो नहीं आया ना, पी में आया, तो इसका मतलब एस के तो फील्ड हो गए, एस के फील्ड हो गए, तो पी में इलेक्ट्रॉन बनना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरता चले आऊंगा वैसे वैसे ये इस तरह से आता चला जाएगा। तो यहां पहुंच जाते हैं, तो पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वो पहुंच जाते हैं पांच, और पी को पांच के साथ, अब पी के अंदर पांच है तो उससे पहले जो एस होता है एस के अंदर होते हैं दो, तो टोटल हो गया पांच और दो सात। लेकिन हमें बाह्य कक्षा में चाहिए कितने, आठ। तो आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम अपना जो है कॉन्फ़िगरेशन जीरो ग्रुप की तरह कर लें, इस वाले ग्रुप की तरह, क्योंकि सारे ही तत्व स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। तो यही कारण है। अब देखो ये तो एक आवर्त है, एक आवर्त का मतलब क्या, एक ही आवर्त के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ाता चला जा रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा एक ही आवर्त के अंदर, तो न्यूक्लियस पर चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा और इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल है वो भी बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से
जो शेल है, जो शेल का साइज है, जो एटम का साइज है, वो छोटा होता चला जाएगा। इसलिए लेफ्ट टू लेफ्ट से राइट जाने पर एटम का साइज लगातार घटता चला जाता है, लगातार घटता चला जाता है। वो क्यों घटता है? क्योंकि जो खिंचाव है, जो अट्रैक्शन है, वो लगातार बढ़ता चला जाता है। अब इस साइज को हम देखते हैं ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप में जैसे मैं ऊपर हूं, पहले वाले पीरियड में हूं, तो इसका मतलब नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, ये नाभिक सही से नहीं बना, नाभिक के चारों तरफ एक शेल है। पहले वाले पीरियड का मतलब एक शेल, दूसरे पीरियड का मतलब दूसरी शेल, तीसरे पीरियड का मतलब तीसरी शेल, चौथे पीरियड का मतलब चौथी शेल। तो तीसरे पीरियड का मतलब तीसरी शेल, चौथे पीरियड का मतलब चौथी शेल, पांचवें पीरियड का मतलब पांचवी शेल, छठे पीरियड का मतलब छठी शेल। तो इस तरह से न्यूक्लियस जो बाहरी कक्षा है और न्यूक्लियस के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि एटम का साइज लगातार बढ़ता चला जाता है। इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जो एटम का साइज होता है वो बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर एटम का साइज घटता है। अच्छा, ये तो होते मेटल। मेटल की टेंडेंसी होती है, मेटल की ये ताकत होती है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, इधर के हिस्से में ज्यादातर नॉन मेटल हैं, मतलब अधातु में, तो अधातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। जब इलेक्ट्रॉन खींचने की इनकी आवृत्ति होती है, इनकी जो टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसलिए लेफ्ट से राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। और ये कहा जाता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा क्यों नहीं है? तो भाई, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इनके सारे ही कोष भरे हुए हैं। अंदर वाला कोष है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाला कोष है उसके अंदर आठ इलेक्ट्रॉन। अगर आठ इलेक्ट्रॉन ना होते, कम इलेक्ट्रॉन होते, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती। तो ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन, इनको एक्रिय गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है। इसलिए अगर ये जो इससे जस्ट एक एलिमेंट वाला कम ग्रुप है, जो फ्लोरीन है, हैलोजन फैमिली, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होने का एक कारण ये भी है कि बाह्य कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, खुद सोचो, जब ऊपर से नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, जब आकार बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण कम लगेगा। तो आकर्षण कम लगेगा तो नीचे वाले के जो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाह्य कक्षा में से निकालना आसान होता है तुलना में कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने की तुलना में बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालना आसान होता। तो इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। धात्विक गुण लगातार बढ़ता चला जाता है। तो नीचे वाला जो होता है थोड़ा धातु की तरह बिहेव करता है। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा अधातु कौन सी हुई? सबसे ज्यादा अधातु, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता चला जाता है, और फ्लोरीन की धात्विक अधात्विक गुण। अब धात्विक गुण तो धातु मतलब मेटल, मेटलिक प्रॉपर्टीज घटती है लेफ्ट टू राइट, मेटल मेटलिक प्रॉपर्टीज घटती है। तो जाहिर सी बात है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, मतलब अधात्विक प्रकृति बढ़ेगी, अधातु मिलेंगे। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये धातु थे, तो ये थोड़े धात्विक गुण शो करते हैं, धात्विक धातु धातु में एल्यूमिनियम, और ये जो है क्लोरीन सल्फर, ये जो है अधातु हो गए। तो धातु से आप अधातु की तरफ आ गए, तो ये हो गया धात्विक गुण का घटना। तो धातु का गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण घटता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। और ग्रुप में उल्टा होता है, ग्रुप में धात्विक गुण बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर, और अधात्विक गुण घटता है। अब देखो, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इस तरह से बढ़ रही थी, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डालना मुझे इन वाले एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन डालना आसान रहेगा, क्योंकि इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए भी। लेकिन फ्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होने की वजह से क्लोरीन एकदम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो फ्लोरीन से ज्यादा थी, फ्लोरीन से क्या थी? ज्यादा थी। एक रीजन मैंने ये बता चुका हूँ आपको, ठीक है? तो मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? लगातार बढ़ती चली जाती है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी? घटेगी। अब जाहिर सी बात है, ग्रुप में नीचे जाऊंगा तो जाहिर सी बात है हर शेल बढ़ती चली जाएगी। ग्रुप में नीचे जाने का मतलब यह है कि हर आवर्त में शेल का बढ़ना है ना,
इसके अंदर चार शेयर होंगे, इसके अंदर पांच, इसके अंदर छह, इसके अंदर सात, सात पूरे पीरियड में होंगी, छह पूरे पीरियड में होंगी, पांच पूरे पीरियड में होंगी, तो ये शेयर बढ़ती चली जा रही है। जब शेल बढ़ते चली जा रही है तो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डालना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल से खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पर इतना तेज आकर्षण नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए लेफ्ट से बाएं से दाएं जाने पर जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ये आपको रीजन के साथ बता रहा हूं, ये आपको समझ में आना, आप समझ लेना है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने अब करते हैं आयनन ऊर्जा की बात। तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है? आयनन ऊर्जा का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में देखो, तो जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मेटल जो होते हैं, मेटल मेटल के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है क्योंकि वो मेटल है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता होती है, बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मेटल में आसान, लेकिन नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो इसलिए इसमें जो आयनन ऊर्जा होगी वो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा होगी इनकी। क्यों होगी इनकी सबसे ज्यादा? क्योंकि जीरो ग्रुप के अंदर सारे ही एलिमेंट के जो बाह्य कोश है वो फील्ड होते हैं। जब बाह्य कोश फील्ड होते हैं तो इन फील्ड कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो समझ में आ गया होगा। और ऊपर से नीचे आने पर घटेगी क्योंकि शेल बढ़ती चली जा रही है। और इस तरह से जो हम एलिमेंट को दिखाते हैं वो इस तरह से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर यहाँ पर लेते हैं और एटॉमिक वेट ऊपर लेते हैं। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ये आयरन है Fe, ये आयरन है और ये डी ब्लॉक है। और देखो 57 से आगे के तत्व, यहाँ से ये तत्व है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। 57 से आगे के तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है, मतलब 58वां तत्व जो है वो लैंथेनाइड है ना कि 57वां। और एक्टिनाइड जो है वो 89 से आगे के तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है। तो 89 से लेकर 89 से आगे के तत्व, 89 से 102 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड। और लैंथेनाइड कहा जाता है 57 से आगे के तत्वों को, 57 से 70 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड तत्व ये हो गए और एक्टिनाइड तत्व ये हो गए। तो ये है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। तो ये चार ब्लॉक होते हैं। तो इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए होता है क्योंकि ये इस तरह से रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो इसके अंदर एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। जाहिर सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधे क्या होंगे? ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के रहने के लिए एक ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, किस तरह से मेंडलीफ ने किया और किस तरह से आके मोज़ले ने किया, मोज़ले ने किस तरह से आके पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया, किस तरह से एटॉमिक नंबर के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को व्यवस्थित किया गया। तो ये पीरियोडिक टेबल को व्यवस्थित किया था, पीरियोडिक टेबल को जो व्यवस्थित किया था वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी किया गया और एटॉमिक वेट के हिसाब से भी किया गया। लेकिन फर्क हुआ, पहले जो किया गया था वो एटॉमिक वेट के हिसाब से किया गया और बाद को जो किया गया वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया। उम्मीद है आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें दूसरों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।